अगाड़ी के साथ आज यमुनानगर में शहरी सरकार के चुनावी संग्राम की शुरुआत हो गई। कैबिनेट मंत्री विपिन गोयल, हरियाणा विधानसभा स्पीकर कंवरपाल गुर्जर समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता, मेयर प्रत्याशी और सभी वार्डों के अन्य प्रत्याशियों का साथ देने पहुंचे। इस दौरान सचिवालय के बाहर काफी देर तक जाम लगा रहा। कैबिनेट मंत्री विपिन गोयल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोई ऐसा कार्ड नहीं खेला जाएगा, भाजपा का सिर्फ एक ही कार्ड है, सिर्फ विकास और सिर्फ विकास। एक ही कार्ड है, विकास विकास और विकास। आप लोगों ने देखा कि चाहे 4.5 साल की केंद्र की सरकार हो, चाहे 4 साल की प्रदेश की सरकार हो, सबने विकास के एक इतना लंबा खाका खींचा है कि उसके लिए सिर्फ लोगों तक विकास को जो पहुंचाने का काम किया, वही एक एजेंडा है और लोग उसी पर ही वोट दे रहे हैं। आपने देखा जब से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 20 प्रदेशों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यमुनानगर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस निगम में बनने जा। गोयल ने कहा कि हमें मेयर के लिए जोर लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 22 के 22 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जीत कराएंगे और मेयर के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेंगे। 22 के 22 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जीत कराएंगे और मेयर के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेंगे, क्योंकि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्य को केंद्र सरकार के अंदर भी देखा है, प्रदेश की सरकार के अंदर भी देखा और यमुनानगर के अंदर पिछले 4 साल में जो विकास की एक लंबी लकीर खींचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, मैं समझता हूँ कि यमुनानगर के लोग उसे अच्छे तरीके से समझेंगे। जब केंद्र और प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यमुनानगर के अंदर भी छोटी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे और यमुनानगर के विकास के लिए वोट देंगे। अब देखना होगा कि शहरी सरकार बनाने के इस चुनावी संग्राम में बीजेपी तो जीत का दावा कर रही है, वो कितना सही साबित होगा, क्योंकि इन चुनावों के नतीजे आने वाले विधानसभा चुनावों को भी प्रभावित करेंगे। इसलिए बीजेपी जी जान से इन चुनावों में दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रादौर टाइम्स।